देखिए एक मिनट, हाँ चलिए सर, मैं आपको फैक्ट बताता हूं, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। स्पीकर सर, फार्मर्स का डेलीगेशन, सर मैं आपको फैक्ट बताता हूं, पर आपके माननीय सदस्यों को कह दें वो सदन पर आरोप नहीं लगाए। स्पीकर सर, हुआ क्या? वहां पे सर मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया। मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर। अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ वो अलग बात है, बट फैक्ट यह है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के, संसद के, उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। ठीक है। और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज, एक मिनट प्लीज। आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, एक मिनट प्लीज बैठिए, किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का ज्यूरिडिक्शन होता है। नंबर एक, जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। हाँ, और आपकी मौजूदगी में बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ। सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं थी। कोई बात नहीं, बट सर प्लीज नो, सर आप मत बोलिए, आपके नेता बोल रहे हैं। तो स्पीकर सर, महिला आरक्षण आया था तो ये आपको बेटे बेटे कौन से नेता दिखाई है? माननीय प्रतिपक्ष के नेता आपके बेटे बेटे सदस्य कमेंट्री कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि लोग क्यों कमेंट्री कर रहे हैं। सर हम चाहते थे, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान है जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहाँ इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूँ कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूँ, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। स्पीकर सर, जो मिडिल क्लास है सर, वो प्रधानमंत्री को, अच्छी बात बोलो, आप बेटे बेटे चुप्पी, आप मत करो, आप करो तो वो भी करेंगे, आप मत करो, मैं सब साइलेंट करो प्लीज। फिर टिप्पणी कर रहे हो आप, प्लीज माने सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबा कर थाली बजाई, थाली बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी।
अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15% से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है, मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा, मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में रहे, और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए, सिर्फ अदानी और अंबानी। अरे क्या सर, सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य एक मिनट, माननीय सदस्यगण, आपके एक मिनट, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें, वो लिखित में देखे गए, इसलिए आपको स्पीकर सर बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप, सॉरी सर। हाँ सर, तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूँ उनको, 3 और 4 ठीक है सर। अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर, 3 और 4 कह देता हूँ, कोई और नंबर आपके माननीय सदस्य को बता दे क्यों लिख के चिट्ठी गए गए मुझे। सर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको आपने चिट्ठी भेजी, एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता जो हरियाणा के, आज उन पर जब आपको अलाउ किया गया, आप ये चिट्ठी मुझे लिख के गए उसकी मर्यादा का, ये आपको बोलने नहीं दे रहे, ये आपको बोलने दे रहे। आपसे मेरी ये अपेक्षा है, आपसे आप सदन, एक मिनट प्लीज, आप सदन के नेता, सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर, इसलिए आप जो विषय रखे वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर, सर मगर मैं ये कैसे कहूँ इन लोगों के, इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर, आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा एक मिनट, आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है सर। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप अब प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये सर, मैं तो सबसे ही अपेक्षा, आप बैठ जाइए, आप किसने का प्लीज बैठिए, पॉइंट ऑर्डर जानते हो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, प्लीज बैठो, तुम्हारे नेता बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज। स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज बैठिए। स्पीकर सर, सर ये जो लोग, ये दो जो दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है,
अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। सर हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया वो भी बोल दो। सर इनके पास राजस्थान वाला से बोलो। सर इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर। सर इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूँ। इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपको संसदीय कार्य मंत्री जी प्लीज प्लीज नो आई एम नॉट गिविंग आई एम नॉट यील्डिंग आई एम नॉट यील्डिंग आई एम नॉट यील्डिंग आई एम नॉट यील्डिंग सदस्य आपको नहीं बोलने देना चाहते डिस्टर्बेंस वो कर रहे हैं सर। आई अंडरस्टैंड बैठ के टिप्पणी कर रहे हैं सर। मैं एक मिनट वो बैठ कर टिप्पणी कर रहे हैं कोई सदस्य खड़ा है यही आपको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं सबसे ज्यादा। राहुल गांधी जी प्लीज आपको नहीं बोलना है प्लीज। राहुल गांधी स्पीकर सर मैं बात समझता हूँ प्लीज एक प्लीज। स्पीकर सर मैं समझता हूँ मंत्री जी को अदानी जी और अंबानी सॉरी A1 एंड A2 की रक्षा करनी है। मैं समझता हूँ नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर। सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर। मैं समझता हूँ मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा सर। ही इज परमिटेड Sir, he is permitted to defend them, sir. Yes. It is a democracy, sir. He can defend them. Yes. Yeah, we allow him to defend them, sir. ऐसा होता है क्या? A1 and A2, sir. आपके सदस्य मान्य आपके सदस्य आज बैठे बैठे बहुत टिप्पणी कर रहे हैं और उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा आप उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा टिप्पणी आप कर रहे हैं। कोई नियोजित तरीके से आए हैं क्या? नो मान्य So we are happy, sir. If the minister is protecting A1 and A2, sir, it helps us only, sir. No problem. We like it, sir. Please do it again, sir. Please do it again. Sir, I give you the space. मैं तो एक व्यवस्था का बात करना था। फिर शुरू हो गया। मैं सर, संसदीय कार्य मंत्री जी, व्यवस्था तय। मैं सिर्फ जब परिस्थिति बने उसमें कहने के लिए मैं खड़ा हुआ। उन्होंने बोला मैं यील्ड नहीं किया। ये नियम होता है। अगर सर अगर समय हम मांगते हैं तो यील्ड करना एक वो यील्ड करना एक परंपरा है। नो 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 परंपरा। मैंने व्यवस्था तहत सर उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया सर। एक राहुल जी एक मिनट स्पीकर सर एक मिनट स्पीकर सर मैं स्पीकर का परमिशन से खड़ा हुआ। बिल्कुल सही बोला आपने कहा मैं ये मैंने नहीं किया। मैंने जबरदस्ती नहीं बोला। आप बोल रहे हो मैं स्पीकर साहब से परमिशन लिया। आप बोल रहे हो सर साहब ने मेरा नाम लिया। बोल रहे हो आपने ये नहीं
नहीं किया, तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी को पूरा भाषण तक आपने डिस्टर्ब किया, बोलने नहीं दिया। आज हम आपको यील्ड मांग रहे हैं, 10 सेकंड टाइम आप बोल रहे हैं कि हम यील्ड नहीं करेंगे। ये कौन सा परंपरा है? मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो नियम के तहत बोल रहा हूँ और स्पीकर का परमिशन पे खड़ा हुआ हूँ। ये एक परंपरा होता है, एक दूसरे का इज्जत देना होता है, इतना तो कर्टसी होना होता है। राहुल जी, सर सर सर, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट सर। इफ व्हेन वी रेज आवर हैंड एंड आस्क फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स टू यील्ड, दे यील्ड, वी विल यील्ड एवरी टाइम। यस, द मोमेंट यू यील्ड, आई गारंटी यू वी विल यील्ड। In fact, I am ready, Speaker, sir. I am ready. सभी लोग आप प्रतिपक्ष के नेता को डिस्टरबेंस कर रहे हैं और मैं आपको बार बार आप डिस्टरबेंस कर रहे हैं और वेणुगोपाल जी सब यहाँ डिस्टरबेंस कर रहे हैं। आप नोट कर लीजिए, ये योजना से देश में, स्पीकर सर, देश में ये कौन कर रहा है? तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है, इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है, इनको कॉरपोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है, इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती है। प्लीज, ये देखिए सर, एक ये फोटो देखिए, एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर हैं। क्या सर? ओके, एक और फोटो दिखा रहा हूँ, एक मिनट। आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो, टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं होता सर। ऑफ है सर? नो सर, दिखाइए सर, एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो। प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप अपोलोजाइज सर, नहीं नो अपोलोइज, मैं आपको अपोलोइज के लिए दिखे रहा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर, ये देखे सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रहे सर, जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हटो, देखो आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेने देंगे सदन में सर, गलत तरीका है सर। सर सर सर, फोटो दिखाना गलत नहीं है सर, आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है सर, मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत समझाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत परमिशन नहीं है मान्य। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगा है, 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर, 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा, 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से
90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ दो हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं। क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर, मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग। और बांटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख, फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा। सर आपको, सर ये जो कमल सर जो पद्मव्यू वाले हैं, उसको चक्रव्यू को पद्मव्यू भी कहा जाता है। सर जो पद्मव्यू वाले हैं, इनको गलत फहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यू है, उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। सर मैं, अरे सर इसमें क्या गलती है सर? एक बात बताइए। सर सर, तो जो पद्मवी वाले लोग हैं सर, जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं, उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ आया। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है, चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है, हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में, चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप? आप चेयर को एड्रेस, मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर, शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघ में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह, चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो। आपका हिंदू बोगस, बोगस, बोगस। स्पीकर सर, तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, अब
शांत हो जाए, खत्म कर रहा हूँ सर, घबराइए मत, डरो मत, डरो मत। स्पीकर सर, सर कुछ कुछ महीने पहले सर मैं जो आपने चक्रव्यूह स्पीकर सर जो चक्रव्यूह बनाए गए हैं, मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैं कर नहीं सकता कभी जिंदगी भर, मरने तक मैं अपमान नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो सर? तो आपने ये छोटे छोटे चक्रव्यूह बना रखे हैं, मैं इनको समझने की कोशिश करता हूं अपने छोटे से तरीके से। कुछ महीने पहले मैं 6-7 घंटे बढ़ाइयों के साथ काम किया, वहां विश्वकर्मा जी थे, उनसे मैंने एक सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा कि आपको किस चीज से दुख होता है, किस चीज से आपको दर्द होता है? उन्होंने मुझे कहा, राहुल बात सुनिए, आपको समझ आ जाएगी, बात सुनिए, समझिए। सर इंटरप्ट कर रहे हैं सर, अब आप इतना इंटरप्ट करते हो, बैठे 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 आप तो पूरे भाषण में बेल में आ जाते हो, सवाल करते हो इंटरप्ट करने का। ठीक है सर, तो मैंने विश्वकर्मा जी से पूछा कि आप यहाँ सालों से बढ़ाई का काम कर रहे हो, आप सालों काम पूरे देश में, अगर आप देखोगे मिलेंगे, ढूंढो, आपको अपने घर में नहीं मिलेंगे, पूरे देश में मिलेंगे। तो मैंने उनसे पूछा, विश्वकर्मा जी आपको दर्द किस बात का होता है, दुख किस बात का होता है? तो उन्होंने कहा, राहुल मैं ये टेबल बना रहा हूं, मगर राहुल जी कहा, राहुल जी अब कहा, अब कहा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर कहा सच्चाई है। तो उसने कहा, राहुल जी मुझे दुख इस बात का होता है, मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं ये टेबल बनाता हूं, मगर जिस शोरूम में ये टेबल रखी जाती है उस शोरूम में मैं अंदर जा ही नहीं सकता। कुछ ही दिन पहले सुल्तानपुर के रास्ते पे मैं एक भाई के साथ, मोची भाई के साथ बैठा, उससे मैंने ये सवाल पूछा, आपको दुख किस बात का होता है? कहता है, राहुल जी मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया। तो मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल MSP इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। क्यों बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हो आप, क्यों बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हो, फिर वो टिप्पणी करेंगे सर। स्पीकर सर, जाति जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने बनाए हैं, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा। और इसके लिए हम पूरा दम लगा के, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगा के ये काम करेगा।